दोबारा से आप इसको प्लीज़ दिखाइएगा। हाफ टी स्पून आपने ब्लीच पाउडर ले लिया ये, ठीक है। इसके बाद हमने वॉल्यूम 20 एक स्पून लेना है, एक टीस्पून जिस स्पून से आपने पाउडर को मैयर किया, फुल एक स्पून आपने वॉल्यूम 20 आपने ले लेना है जी व्यूअर्स। अब हमने वॉल्यूम 20 का एक स्पून इसके अंदर लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने वॉल्यूम 20 का एक स्पून इसके अंदर लिया है। उसके बाद हमने बूस्टर का एक स्पून लिया, ये डैन बिस्का वाइटिंग बूस्टर है जी व्यूअर्स। अब हमने लिया है वाइटिंग बूस्टर एक टीस्पून जी। ये डैन बिस्क एलोवेरा जेल है, ये प्लीज़ ज़रा थोड़े सा दिखा दीजिए, ऑक्सीडेटेड एलोवेरा जेल है, डैन बिस्क की बेहतरीन प्रोडक्ट है, समर में आप इसको एज ए मॉइस्चराइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। मेकअप रिमूव करती है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करती है और आपकी स्किन को सूदिंग इफेक्ट देती है, सन प्रोटेक्शन भी माइल्ड किस्म की ये कर लेती है और ये बेहतरीन प्रोडक्ट है एज ए मॉइस्चराइज़र। तो यहाँ पे इसको यूज़ करें ताकि रेसिपी को थोड़ा सा सूदिंग इफेक्ट देने के लिए जी। ये एक चौथाई चम्मच हमने इसका यूज़ किया एलोवेरा जेल का। इसके बाद हम इसमें एक चौथाई चम्मच ही हर्बल स्किन पॉश क्रीम यूज़ करेंगे जी। ये डैन बिस्क की हर्बल स्किन पॉश क्रीम है, पिगमेंटेशन के लिए बेहतरीन प्रोडक्ट है। इसके ऊपर लिखा था नॉन कॉमेडोजेनिक, जैसे कि आप देख सकते हैं इस प्रोडक्ट को। इसको आपने चौथाई चम्मच लेना जी प्लीज़, इसको मिक्स कर लेना आपने। अब हम इसमें डैन बिस्क का सूदिंग लोशन डालेंगे, वो भी एक चौथाई चम्मच के करीब हमने यूज़ करना है जी। बस व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि ये हमने थोड़ा सा इसकी हमने एक चौथाई चम्मच के करीब हमने लिया, क्वार्टर स्पून के करीब। अब हमने इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है, ठीक है, अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसकी पेस्ट बना लेनी है और पेस्ट बनाने के बाद आपने इसको हाथों पे, बाजुओं पे, पैरों पे, पूरी बॉडी पे, फेस पे, आप कहीं भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, एप्लीकेशन पहले स्किन को अगर हमें फेस पे लगाना है तो डैन बिस्क की वाइटिंग मसाज क्रीम ये आपने लगानी है जी। आप दिखा दीजिए प्लीज दोबारा से, डैन बिस्क की वाइटिंग मसाज क्रीम ये आपने लाजमी लगानी है। अगर आप बॉडी पे लगा रहे हैं तो जस्ट आप क्लिंजिंग कर लें या हल्का सा सूदिंग लोशन या कोई और मॉइस्चराइज़र लगा लें ताकि आपकी स्किन सेफ रहे, ठीक है। और हम सेकंड लेयर जो बनाते हैं फेस पे, जो मैंने आपको पहले रिकमेंड किया डैन बिस्क का एलोवेरा स्किन फ्रेशनर, ये जो प्रोडक्ट देख रहे हैं ये आपकी स्किन को साइड इफेक्ट से बचाती है, पीएच को नॉर्मल करती है और ब्लीच जो होती है उसका सूदिंग इफेक्ट आपका आ जाता है। तो ये आपने एप्लीकेशन पहले लाजमी इसका स्प्रे करना है, उसको अब्सॉर्ब कर लेना है। अब हम इसको हाथों पे अप्लाई करें, आप टेबल पे अपने हाथ को रख लीजिए जी। आपने इसकी एक इवन इसकी आपने लेयर बना देनी है हाथों पे, पाँव पे, बाजुओं पे और सन बन हुई स्किन पे बेहतरीन इसका रिज़ल्ट आएगा। और अगर आप इसको वीकली इस रेसिपी का यूज़ करेंगे आपकी स्किन ज़बरदस्त किस्म की वाइटनिंग हो जाएगी, आप किसी वाइटनिंग क्रीम को यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये डी टैन भी करेगी और साथ स्किन को प्रोटेक्ट भी करेगी क्योंकि आप इसमें नेचुरल मॉइस्चराइज़र और प्रोटेक्टर ऐड कर लिए, इसकी वजह से ये बेहतरीन वाइटनिंग ट्रीटमेंट बन चुकी है। एप्लीकेशन को हमने कम्प्लीट कर लिया, अब इसको हम 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। समर में आमतौर पर 5 मिनट्स के बाद आपका रिज़ल्ट आ जाता है, तो विंटर में ये 8 to 10 मिनट्स तक आपका रिज़ल्ट आ जाता है। तो आप चेक कर सकते हैं आफ्टर 5 मिनट्स, अगर तो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट आ चुका तो आप इसको वॉश ऑफ कर दीजिए, अगर नहीं तो 10 मिनट्स इसका मैक्सिमम टाइम है, उसके बाद आपने इसको वॉश ऑफ कर देना है। अब हम 10 मिनट के बाद अपने हाथों को धो के आपको इसका रिज़ल्ट दिखाएंगे। 3 से 4 मिनट के बाद आप इसको हल्के हाथों से हल्का सा मसाजिंग इसको करेंगी ताकि ये स्किन के अंदर अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। ये फार्मूला मेल और फीमेल दोनों यूज़ कर सकते हैं, दोनों के लिए इक्वली इफ़ेक्टिव है जी व्यूअर्स। ये यहाँ था जिस पर हमने नहीं ट्रीटमेंट की और ये वहाँ था जिस पर ट्रीटमेंट हुई है, दोनों हाथों का फ़र्क आपके सामने है। ये हाथ है जिस पर हमने नहीं लगाया, एप्लीकेशन नहीं किया, इसकी आप स्किन टोन को चेक कर लें और इसके साथ दूसरा हाथ, और ये एक ही खातून के दोनों हाथ हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। ये नहीं है जैसे नेट पर फेक होता कि एक हाथ किसी और का दिखा दिया किसी और का, तो ये जो रिज़ल्ट है ये इतना अमेजिंग रिज़ल्ट है जो आप जो देख रहे हैं ये सारा इस रेसिपी की वजह से पॉसिबल हुआ है। हमने इस रेसिपी को जैसे बनाया
उसको मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। हम लोगों ने जो चीज़ें यूज़ की, हमने वाइटनिंग बूस्टर इसमें लगाया था, हमने इसमें एलोवेरा जेल यूज़ किया था और डेनबिस का ब्लीच पाउडर वॉल्यूम 20, ये वाइटनिंग पाउडर हमने यूज़ किया और मसाज किया था उसके पहले हमने, ठीक है। इसमें स्किन पॉश क्रीम हमने यूज़ की है इस रेसिपी के अंदर और थोड़ा सा सूदिंग लोशन। रेसिपी को मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। हमने एक चम्मच डाला था इसका वाइल्ड पाउडर लीच पाउडर डेनबिस का, सॉरी एक चम्मच नहीं, हमने आधा चम्मच लिया था ब्लीच पाउडर माइल्ड, आधा चम्मच हमने लिया था वाइटनिंग पाउडर, एक चम्मच हमने लिया था बूस्टर और एक चम्मच हमने लिया था इसमें वॉल्यूम 20 का और एक चौथाई चम्मच हमने स्किन पॉलिश क्रीम इसमें यूज़ की थी और एक चौथाई चम्मच हमने एलोवेरा जेल यूज़ की थी और एक चौथाई चम्मच हमने सूदिंग लोशन यूज़ किया था। ये कम्प्लीट रेसिपी है जो हमने लगाई है और अगेन आप रिज़ल्ट देख रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इनके हाथों पर रिज़ल्ट आया है और दोनों हाथों के टोन में वाज़े फ़र्क है। रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।